मुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, मैं अब मतलब आधा वो स्टेटस डीजे स्टेटस डालता हूँ और कुछ इस प्रकार का भी डालता हूँ। सो यार, आप सभी वीडियो को देखा करो। ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो को देखो किसी वीडियो को नहीं, यार हर वीडियो को देखा करो। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। सो इसमें मैंने सबसे अलग इफ़ेक्ट को यूज किया है और इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि इफ़ेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है। ओके, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना आज का जो ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा नया माइक बोया बाय MM1 से हो रहा है, जो मैंने नया परचेस करना किया है। ओके, सो अगर आपको भी ऐसा ये माइक परचेस करना है मेरे को बता देना, अगर करना चाहते हो तो। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, करना चाहते हो तो मेरे को बता देना, मैं अगली वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेस करोगे तो मेरे को भी कुछ फायदा हो जाएगा। ओके, और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले येलो काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना। येलो काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं सेंड आपको लिंक कर दूंगा। ओके, सो आप बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना, क्रिएट न्यू पिक क्लिक करना, डन। आपको यहाँ पे ये सेकंड नंबर साइज सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट कलर क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये काइन मास्टर में ऑलरेडी रहता है, तो आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, सो फिर आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। ये देखो एडिटिंग है ना, हाँ एडिटिंग कर लेना पहले, सॉरी गाइस फिल स्क्रीन कर देना एडिटिंग पे जाके, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको 5 फोटो को सिलेक्ट करना है अपना। ओके, सो अपना जो आपको कोई भी 5 फोटो को आप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि स्टेटस बनेगा सिर्फ और सिर्फ 5 इमेज से ही बनेगा, उससे ज़्यादा इमेज हम सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं अपने स्टेटस बनाने में। ओके, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली 5 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, शुरू में आके मीडिया पे क्लिक करना है, ये लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो गाइस आप लोग पूछते हैं ये लिरिक्स वीडियो को कैसे बनाया जाता है, यार मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बस YouTube से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो अगर आपको YouTube से डाउनलोड करना है अलग अलग, तो आप YouTube पे सर्च करना ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस ब्लैक स्क्रीन, तो आपको ऐसे ऐसे ढेर सारी ब्लैक स्क्रीन वीडियोस मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो यार सर्च कर सकते हो, YouTube पे मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये लाइट मोशन से बनता है, काइन मास्टर से नहीं, और मैं लाइट मोशन यूज भी नहीं करता हूँ। सो अब इसको एडिट करने के बाद साइज को इसको इस प्रकार से बढ़ा देना है। ओके, अब साइज बढ़ाने के बाद अब गाइस क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले इसका स्ट्रेक एडियो आपको निकाल लेना है। ओके, अब गाइस इसका स्ट्रेक एडियो निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको बीट मार देखना है। ओके, तो ये बीट मार हम छोड़ देंगे इधर 2 सेकंड पे, जो है यहाँ पे एक है 5.2 सेकंड पे, लेकिन हम इस बीट मार पे अपनी इमेज को ट्रिम नहीं करेंगे, बल्कि आगे जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल पतला वाला बीट मार्क है यहाँ पे सॉन्ग में, आप लोग देख सकते हो, यहीं पे हम अपनी इमेज को ट्रिम करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को ट्रिम कर लेंगे यहाँ पे, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा बीट है, उसके बाद एक छोटा बीट है जो एंड में है, यहाँ पे हम अपनी इमेज को ट्रिम कर लेंगे। ओके, सो फिर आगे जाएंगे, ये देखो बड़ा बीट है, उसके बाद फिर ऐसे बीट है, और यहाँ पे लास्ट में जाके छोटा सा जो पतला सा बीट है उसी में हम अपनी इमेज को ट्रिम करेंगे। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर है एक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14.449 सेकेंड पे, फिर आगे जाएंगे और यहाँ पे देखो 17.076 सेकेंड पे, और आगे आप लास्ट इमेज था हमारा, तो यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे जहाँ तक हमारा ऑडियो है। अब गाइस क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा इमेज आ रहा है वहाँ पे हम लिरिक्स में कट लगाएंगे एक, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे सबसे नीचे वाला ऑप्शन, सॉरी गाइस सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इस लिरिक्स को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, तो थोड़ा नीचे साइड कर देंगे इसको, और बीच में एडजस्ट कर लेना सही से। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये वाला जो इमेज को एडिट कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइडो इमेज है और कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा इस प्रकार से करने के बाद इसको नीचे थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, नहीं तो ये आपके इमेज पर चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। ओके, अब सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसका जो लेंथ है एंटर कर देना है आपको, डन एंटर कर देना है। अब गाइस क्या करना है,
सबसे पहले इसमें हम FIR ऐड कर लेंगे अपनी इमेज में, जिसका नाम है सिस्टेन। ओके, तो ये हमारा सिस्टेन है। हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट छोड़ देंगे, दोनों वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर अगला इमेज में जाएंगे, सिस्टेन से तीन वाला सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर सिस्टेन से अगला इमेज में हम जो थर्ड इमेज है हमारा उसमें हम ये फोर्थ वाला सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब चार नंबर वाला, और उसमें चार जो हमारा फोर्थ नंबर का इमेज है उसमें हम पाँच नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और आगे जो इमेज है लास्ट इमेज उसमें हम छः नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो अभी मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि ये आपको काइन मास्टर में नहीं मिलेगा, जस्ट आपको बीट सिंस मिलेगा। और जिसको जिसको बीट सिंस से FIR डाउनलोड करना नहीं आता उसको आ भी जाएगा कैसे डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि आप लोग मेरे को बार बार पूछते हो। सो इस प्रकार से करने के बाद फिर आपको जहाँ पे इमेज आ रहा है आपका इमेज, वहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और डन। यहाँ पे ये वाला लाइट इफेयर वीडियो को एडिट कर लेना, सॉरी लाइट इफेयर वीडियो नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकल इफेयर वीडियो को बोल सकते हो। तो आपको ये वाला वीडियो को यहाँ पे एडिट कर लेना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा इफेक्ट या प्रैक्टिकल इफेक्ट, तो ऐसा करके एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप मीडिया फाइल से आराम से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर इसका ब्रांडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, सो ये स्क्रीन हो जाएगा। फिर इसमें कोई ऑडियो जरूर होगा, अगर होगा तो इसमें इसका जो ऑडियो यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके। अब ये हमारा ऑडियो म्यूट हो चुका है। अब गाइस हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमारा वीडियो बन चुका है। अब मैं थोड़ा वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ वीडियो कैसा बना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस हमारा वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। अपनी क्वालिटी आप 1080p सेलेक्ट करना, नहीं तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी है बहुत ही ख़राब हो जाएगा। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप बीटसिंस ऐप से जो है इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस सबसे पहले आपको इस प्रकार से देखो गाइस क्या करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है बीट सिंस। ओके, या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे लिंक मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, और जो वीडियो एंड तक देखेगा उसको पता ही चल जाएगा। तो बीट सिंस सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला बीट सिंस हमारा ऐप है। तो इसको जस्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, और इसमें अभी सॉन्ग भी बजता है, लेकिन मैंने सॉन्ग को ऑफ कर दिया इसलिए क्योंकि मेरा ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो। तो नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे शुरू में है उसी पे आना है और प्लस पे क्लिक करना है। इस प्रकार से प्लस पे क्लिक करने के बाद ये गाइस प्लस पे काम नहीं कर रहा है, और दूसरे में ट्राई करता हूँ। सो गाइस ये प्लस पे काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे प्लस के जो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन बना हुआ इमेज करके, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट आपको जो भी फोटो सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा फोटो सेलेक्ट करना है, बस दो तीन फोटो सेलेक्ट कर लेना। नॉर्मली आपको इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार के आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ जो मेन है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है हमारा ये स्वीट लिस्ट है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और हमारा ये जो स्टार वाला है वो कॉल मी डी है। ओके, सो हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सिस्टम इधर होगा। सो जस्ट आपको जो स्टार वाला जो कॉल मी डी है इसका जो लेफ्ट साइड में है वही है सिस्टम। ओके, तो मैं सिस्टम को डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिस्टम मेरा पहले से डाउनलोड है, तो डायरेक्ट काइन मास्टर में लेकर चला जाएगा। तो वो इफेयर मैं डाउनलोड करता हूँ जिस जो मेरा अभी डाउनलोड मैंने नहीं कर रखा है। ओके, तो मैं ऐसे ढूंढ लेता हूँ जिसको मैंने डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट मेरे को लगता है मैंने ये डाउनलोड नहीं किया है। सो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आपको काइन मास्टर पे क्लिक करना है। ओके, और गाइस मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ओल्ड वर्सन का काइन मास्टर है, जस्ट फोर्थ वर्सन का है, और आप वो यूज कर रहे हो तो उसमें ये इफेक्ट डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे बीटसिंस ऐप से, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसलिए आप न्यू वर्सन का काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना। अब गाइस क्या करना है, आपको काइन मास्टर पे क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये आपको काइन मास्टर में लेके आएगा, और यहाँ पे देखो किस प्रकार का ऑप्शन आएगा, ये डू नॉट शो अगेन कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड। ओके, सो आप जैसे उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो मेरा स्टार करके था ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, सो अब हम वीडियो में देखते हैं, जैसे कि ये प्लस पे क्लिक करेंगे, ये साइज को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाके एडिटिंग में जाके फिल स्क्रीन कर देंगे, और यहाँ पे दो तीन फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वो इफेक्ट डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आपको डन करना है। अब क्लिप ग्राफिक्स में नहीं आया है, जस्ट वो हमारे हिसाब से वो ट्रांजिशन था,
ये देखो ट्रांजिशन आ चुका है, तो अगर क्लिप ग्राफिक्स होगा तो क्लिप ग्राफिक्स में आएगा, अगर ट्रांजिशन हो तो ट्रांजिशन में आएगा। ओके सो इसी प्रकार से आप बीट सीन से ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी इफेक्ट को। आई होप कि जिसको ये पता नहीं था वो पता चल गया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेगा इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।